हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जब रोड शो चल रहा है उस दौरान अमित शाह ने अपने हाथों में माइक भी लिया। उनका ये कहना है कि कार्यकर्ताओं से कि आप झंडा नीचे कीजिए, जिससे कि जो कार्यकर्ता हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो भी जो है उनका अभिवादन स्वीकार कर सके और वो जनता का अभिवादन स्वीकार कर सके। तो अमित शाह वैसे तो मनोज तिवारी जो है मंच का एक तरीके से संचालन कर रहे हैं, या ये कहा जाए कि माइक उनके हाथ में, लेकिन सबके बीच में जो कार्यकर्ता लगातार झंडा जो ऊंचा कर रहे थे और अमित शाह को जो स्थानीय जनता है उससे संवाद करने में जो दिक्कत आ रही थी, इसमें जो है जरूर जो है उनकी कोशिश ये रही है कि लोगों से जो संवाद स्थापित हो सके। और फिलहाल उसी को जो देखते हुए अमित शाह ने बीच में ये जरूर कहा कि झंडा जो आप लोग लेके जरूर चलिए, लेकिन थोड़ा साइड में रखें, जिससे कि आम जनता से संवाद स्थापित हो सके। और ये तस्वीर है दिल्ली के नोएडा इलाके के, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं रोड शो और लगातार यहां पर नरेंद्र मोदी जैसा हो जैसे जो है नेता के नारे लग रहे हैं, वंदे मातरम के नारे। और कोशिश यही है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश आ जा सके और इसी वजह से बीजेपी के कई बड़े नेता कर रहे हैं दिल्ली में रोड शो और दिल्ली। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।